हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन बैंक की डिवा। आज इस वीडियो में भारत के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीएससी, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ख़ास करके आरबी एनटीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो मैं आरबी एनटीपीसी के लिए बनाई हूँ। और आरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स अब कुछ ही दिनों में होने वाली, इसलिए आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख ले। मुझे लगता है जितना भी क्वेश्चंस आने वाले, लगभग 80% क्वेश्चंस मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं और जितना मैं बनाने वाली हूँ उससे आरबी एनटीपीसी में आने की संभावना है। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे प्लीज़ मिस ना करें और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत स्थित है, भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति है, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंटेज है? 2.42%। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो कब बनी थी नई दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय, उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति, भारत में सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7th स्थान है वर्ल्ड में। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? 2nd है। पहला किसका है? चीन का है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, टोटल विश्व में जो भारत का जनसंख्या है कितना परसेंटेज है? 17.5%। अक्षीय विस्तार, भारत का अक्षीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार, भारत का अगर उत्तर से दक्षिण में लंबाई में देखा जाए कितना विस्तार है? 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में अगर आप काश्मीर से कन्याकुमारी में देखते हैं तो कितना है? 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में विस्तार अगर आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के लास्ट तक में, तो वो जो विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर है। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उस बिंदु का क्या नाम है? वलांगु बिंदु। वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है सर क्रीक, जो गुजरात में है। और सबसे उत्तरी बिंदु, ये तो बहुत ही बार एग्जाम से पूछे गए हैं, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ये भी बहुत सारे एग्जाम से बहुत बार रिपीटेड है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, उसी का दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। वो कहाँ पर स्थित है सबसे दक्षिणी बिंदु? निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, जो भारत का दक्षिणी बिंदु है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे? 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? केप, उसका नाम है केप कैमोरिन, जो कहाँ पर? कन्याकुमारी तमिलनाडु स्टेट में। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितना है? टोटल अगर द्वीप देखा जाए तो 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 अरब सागर में। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितना है? 36 है। भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की लंबाई, अगर समुद्र तट की लंबाई इंडिया में देखा जाए तो कितना है? 7,516.5 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, अगर मुख्य भूमि
भूमिगत तटीय लंबाई देखा जाए वो कितना है, 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय क्या है, भारतीय मानक समय जो है वो 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछे गए बहुत बार, ये वाला भी क्वेश्चन जो मुख्य भूमिका तटीय भाग की कुल लंबाई, सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुई है। 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, कहाँ कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, वो इंडिया में 5 राज्य से गुजरती है, किससे, यूपी, उत्तर प्रदेश से, MP, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और एक आंध्र प्रदेश से, जो 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तक ग्रीनविच समय के बीच अंतर है, भारतीय मानक समय तक ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है, 5.5 घंटा 30 मिनट आगे। राज्यों की कुल संख्या, भारत में राज्यों की कुल संख्या 29 है और केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या भारत में 7 है, उसमें 7 का नाम क्या है, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार आइलैंड, पौंडीचेरी, दिल्ली एंड चंडीगढ़। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य, तो सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्रीज को छूती है, उसमें से 8 राज्य कौन है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। उसमें से 8 राज्य दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में आती है केंद्र शासित प्रदेश में, और 8 राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ भी टच है यूपी, वो कौन सी है, नेपाल, उस देश का नाम नेपाल है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या, टोटल समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है, 9 राज्य है, जिसमें से 5 जो है वो पश्चिमी तट से लगी हुई है और 4 पूर्वी तट से। पश्चिमी तट से कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, और जो पूर्वी तट से लगी हुई है उसमें वेस्ट बंगाल आती है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितना, अगर हिमालय को छूने वाले राज्य की संख्या देखें तो टोटल 10 है, उसमें से कौन कौन सी 10 में, जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है, 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, जो भारत के मध्य से गुजरती है उस रेखा का नाम कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। दोस्तों यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस डिस्कस करो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और याद जरूर कर लें। अगर एक बार में याद नहीं होती है तो वीडियो को 3 से 4 बार ज़रूर देख लें। सर्वाधिक नगरीकृत में देखा जाए तो गोवा है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश में, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, सबसे ज़्यादा वन कौन से राज्य में है इंडिया में, मध्य प्रदेश में, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य, अगर सबसे न्यूनतम अगर वन देखा जाए तो हरियाणा में है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा इंडिया में कहाँ पे होती है, मसीनराम, जो कहाँ पे, मेघालय में स्थित है, मेघालय स्टेट में मसीनराम एक जगह है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है, लेह कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी पर्वत है, अरावली, जो राजस्थान में है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय, वलित पर्वत के नाम से भी हिमालय जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग
अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग देखा जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। और अगर आप इस तरह के और भी कोई वीडियो चाहते किसी भी टॉपिक पे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल के प्लेलिस्ट में और भी कई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है जीके से रिलेटेड, ज़रूर देखें। आई होप फ़ायदा ही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वंस अगेन।